सरकार की योजना आम जनों तक पहुंचे इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और लोगों तक वो योजना का लाभ पहुंचता भी है, लेकिन कुछ ऐसे जो लोग हैं जो कालाबाजारी में लिप्त हैं वो अपने कारनामों से बाज नहीं आते। इसी क्रम में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के FCI के निकट बीती रात केवटी के पूर्व जिला पार्षद हैं समी अहमद, जो एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे, उनकी नज़र पड़ी कि एक ट्रक से खाद्यान्न कालाबाजारी हो रहा है। इसकी जानकारी इन्होंने अपने स्तर से सदर SDO को दी। SDO ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दरभंगा सदर के MO को दी जानकारी। MO स्थल पर पहुंचकर विश्वविद्यालय थाना की मदद से 9 बोरा सरकारी खाद्यान्न चावल को किया बरामद। वहीं जो ट्रक था वो ट्रक अपना ट्रक लेके फरार हो गया। मौके पर पुलिस ने 9 बोरा सरकारी खाद्यान्न को किया जब्त। इस संबंध में जो सदर के MO है उन्होंने क्या कहा वहीं आपको बताते चलें कि जो जनप्रतिनिधि हैं केवटी के पूर्व जिला पार्षद हैं उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। वहीं जब्त अनाज को विश्वविद्यालय थाना में रखा गया। वहीं दूसरी तरफ सदर MO के द्वारा विश्वविद्यालय थाना में ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस कर रही है आगे की कार्रवाई, देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। पकड़ाया गया है राजेश कुमार नाम, क्या पकड़ाया है यहाँ? SDO मैडम की सूचना पे मैं अभी आया हूँ। तो मैडम ने बताया कि कुछ माल संभवतः FCI का किसी ट्रक से वहाँ पे उतारा गया है, तो यूनिवर्सिटी थाने के पुलिस से कोऑर्डिनेट करना था मुझे। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट किया तो यहाँ पे माल 9 बोरा अभी चावल भौतिक सत्यापन में पाया गया है। मैडम को मैंने सूचना दी है, मैडम ने कहा है कि आगे की कार्रवाई जो है सो, और ये अभी फिलहाल इतना मिला है, हो सकता है कि कुछ और कालाबाजारी का माल हो। अच्छा, कार्रवाई के लिए तो मैडम ने कहा है कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपने परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम राजेश कुमार है, सदर प्रखंड में मैं MO हूँ। आपके पास? मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ केवटी से, समीम अहमद नाम हुआ मेरा। अभी हम जा रहे थे हैदराबाद एक शादी में, तो देखा कि सरकारी खाद्यान्न का कालाबाजारी हो रहा है। यहाँ पर से गाड़ी पर से माल उतारा जा रहा है, ट्रक पर से। वो ट्रक पे लिखा हुआ था, ट्रांसपोर्टर का नाम विनय कुमार जी, झारखंड नंबर गाड़ी था, 1800 नंबर, ठीक है। वो भागने में सफल रहा, हम अकेले थे, वो निकल गया, भाग गया, माल यहाँ पर था। तो हमने SDO मैडम को, DM साहब को इन्फॉर्मेशन दिया, तो वो अपने पदाधिकारी को और थाना को भेजे हैं। तो सर अब सर इस प्रकार कालाबाजारी जो होती है खाद्यान्न की, सरकार भी सख्त कानून बनाए हुए है, कहाँ कहाँ कमी आपको दिखती है? नहीं नहीं, एक्चुअली है क्या ना, ये संवेदक का काम है कि सही सलामत माल वहाँ तक पहुँचा देना, ट्रांसपोर्टर का काम होता है। पदाधिकारी वहाँ पर जो गोडाउन के पदाधिकारी हैं, AGM वगैरह, उसको चाहिए कि माल वजन करके लें। वजन करके नहीं लेते हैं, गिनती के हिसाब से लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि एक ट्रक पर से 10-15 बोरा उतारते हैं और खाली बोरा में जो है सो भर्ती बोरा में से निकाल करके बोरा बना करके बोरा गिनती करा देता है। यही तो है।